हाय जेमिनाई, वेलकम बैक टू आई निगमा हिंदी चैनल। मैं हूँ निगमा। आज आप लोगों के लिए करूंगी मैं जेमिनाई की रीडिंग। जनरल रीडिंग है, सो जनरली लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए रिचार्ज कर सकते हो आप मुझे, डिटेल्स आपको नीचे मिलेंगी। और आप मेरे मेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, जो कि है आई निगमा। और इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करें आई निगमा हिंदी, ताकि और ऐसी वीडियोज बन सके। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ और वाइट स्पेल्स भी हैं, और हमारे पास 100% प्योर क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं, सो आप मुझसे ले सकते हो। फॉलो करें इंस्टाग्राम पे डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। सन मून राइजिंग या वीनस साइन जो भी जेमिनाई में पड़ता है, या आपकी रीडिंग क्रॉस वॉचर्स, दिस इज फॉर यू। ऑलराइट जेमिनाई, वो टेन ऑफ कप्स। ओह माय गॉड जेमिनाई, आप इतने लकी कैसे हो? आई फील जेमिनाई बहुत ही बड़ी न्यूज़ आने वाली है, मेजर न्यूज़ हो, वो भी आप कुछ कर नहीं रहे, नेचुरली आ रही है, ठीक है, आपके बिना बुलाए गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी तगड़ी न्यूज़ आ रही है। प्रेगनेंसी की न्यूज़, मैरिज का ऑफर, या आउटिंग पे जा रहे हो, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन वहाँ पे जाने को मिल रहा है, या फिर आप फाइनली जो आपका मेजर ड्रीम है, वो जो आपको सबसे बड़ी खुशी है, वो आपको मिल रही है। कुछ लोगों के केस में मेजर प्रमोशन है, वो भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार बिना ही कुछ किए हो गया, बिना एक्सपेक्ट किए हो गया, या फिर मैंने तो कोशिश नहीं की, मैंने तो पूछा भी नहीं, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और ये हो गया। सो एक सडनली आपकी लाइफ में ना एक गुड न्यूज आ रही है, और वो भी इतनी बड़ी कि आप 10 दिन तो कुछ करोगे नहीं, बस हंसते रहोगे बिना किसी रीजन के, आप इतने खुश हो गए। सो कुछ केसेस में ये तो प्रपोजल अगर आ रहा है तो ये एक्वेरियस है कोई, बट यहाँ पे मुझे डेफिनेटली मैरिज की अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो आपको बहुत खुशी दे रहा है, वो हो रहा है आप लोगों के साथ। जो लोग मैरिड हैं, यहाँ पे कंसीव के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, अगर कंसीव करें तो बेबी बॉय के चांसेस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। कुछ लोगों के केस में आप बाय कर रहे हो एक ऐसी चीज़ जो आप बहुत देर से खरीदना चाहते थे, और आपको इतनी खुशी है ना, बट वो है चीज़ मनी से रिलेटेड, वो चीज़ जो आप खरीद रहे हो, पैसा देके खरीद रहे हो, या फिर आपको किसी ने दी है, बहुत प्रेशियस चीज़ दी है, और वो आपकी फेस पे इतनी बड़ी स्माइल लेके आता है, अब क्या बताऊँ। या हाइक है, या प्रमोशन है, चाइल्ड बर्थ की भी न्यूज हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, बड़ी न्यूज होने के बावजूद भी आप खुश क्यों नहीं हो? आई फील जेमिनाई, आपको किसी चीज की कमी फील हो रही है इस खुशी में। खुशी के टाइम पे आपको चीज है ऐसी जो आपको फिर भी बॉदर कर रही है, क्या है? जेमिनाई, मुझे लग रहा है कि आपकी किसी के साथ दोस्ती जो है वो खराब हो सकती है। सेम जेंडर सेक्स दोस्ती, फ्रेंडशिप, जस्ट फ्रेंडशिप, नॉट अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, लेकिन दोस्ती खराब हो रही है किसी के साथ। स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर हो सकते हैं। पर्सन आपसे बहुत छुपाते हैं, इसीलिए आप परेशान हो गए हो। आप हमेशा इनको कॉन्टैक्ट करते हो, पर इनका जब मन होता है आपसे बात करते हैं, जब नहीं मन होता तो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इस चीज़ का गुस्सा आप में है, जिसकी वजह से आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जेमिनाई, एक चांस तो बनता है इनको देना, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी तरफ आपका लवर आ रहा है, आपकी तरफ आपकी पार्टनर आ रही, हो सकता है मेल या फीमेल, आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन आ रहे जो काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी रिच, काफ़ी लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस वाले, फैमिली ओरिएंटेड टाइप के पर्सन आ रहे हैं, काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन आ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रपोजल लेके, या कोई बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट इट्स गोना मेक यू सुपर हैप्पी। बट आपकी वही खुशी को लेकर आपका कोई क्लोज फ्रेंड जेलसी फील कर सकता है, सो पे अटेंशन। आप अभी कुछ नहीं जानते, ये मुझे लगता है लव से रिलेटेड है, जो आपको गिफ्ट आ रहा है ना, ये लव लाइफ से रिलेटेड है मेनली, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे, कम्प्लीटली ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे। हो सकता है आपके फ्रेंड आपको कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है, इस पर ट्रस्ट मत करो, इसी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके साथ, बट अपनी जो लव लाइफ है वो उसको पर्सनल रखो।
सो यहाँ पे हो सकता है कोई जेमिनाई कैंसर पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, एक्वेरियस आ रहे हैं, पाइसिस आ रहे हैं, बट बहुत ही तगड़ी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी जो आपकी तरफ आ रहे हैं। मतलब कि आप अभी इनके साथ कनेक्ट हुए नहीं हो, बहुत जल्द होने वाले हो। एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग अट्रैक्शन होगी उनको आपकी तरफ। ये तो चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हो गया, मतलब ये जो भी पर्सन आपके पास आ रहे हैं ना, ये इमिडिएटली आपको मैरिज का ऑफर दे रहे हैं, बहुत बड़ा गिफ्ट। बट आप कंफ्यूज हो गए हो, आप सोच रहे हैं कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही मतलब सेंस नहीं बन रही, मतलब कोई आया एकदम से उन्होंने प्रपोज कर दिया, ना इनको मेरे बारे में पता ना कुछ। सो ये चीज़ें आपके मन में चलेंगी कि आप सोच रहे हो यार ये कैसे हो गया। तो मेरे को तो ये बहुत ही फास्ट दौड़ता हुआ प्रपोजल नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, ये कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, काफ़ी स्ट्रांग बैकग्राउंड से आते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी रिच और सक्सेसफुल, इनकी लीगसी 3 जनरेशन इनकी चल रही हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं ये लोग, ठीक है। सो एक अच्छा ऑफर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मेल हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपका जैकपॉट लगने वाला है, आप बहुत पैसा कमाने वाले हो। सो इधर वेज प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस, ऐसे सोच से बाहर निकलो जो सोच आपको बिल्कुल ही ऐसे ना कमज़ोर कर रही है, या फिर बहुत आगे बढ़ने के लिए मजबूरी, मतलब आप मजबूर इतने हो गए कि आप आगे का सोच नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिनको आप अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपने आप को उतना केपेबल नहीं देखते, ऐसा कोई थॉट आपके मन में ज़रूर रहेगा। जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, आप खुद को केपेबल नहीं फील करोगे, और आप शायद इस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश करो ये सोच के यार ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है, ये पर्सन डेफिनेटली मैरिज चाह रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ आ रहे हैं, लेकिन आप हो के ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। आपके मन में ये है कि ये पर्सन तो ज़रूर चीट कर रहे हैं, पर्सन मेरे फ्रेंड के साथ चीट कर रहे हैं, मेरे साथ चीट कर रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे, उनके साथ इन्वॉल्व। आपके मन में ऐसे गंदे ख्याल आएंगे ना, हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसी बातें कही हो इसीलिए, बट कुछ केसेस में आपका कॉन्फिडेंस ही आपके साथ ऐसा कर, आपका लो कॉन्फिडेंस। एक नेगेटिव हेड स्पेस में जब बंदा रहता है तो वो नेगेटिव सोचता है, तो वो चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आपके साथ एक इक्वल रिलेशन चाह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए केयर करते हैं, लेकिन आप ना बहुत कन्फ्यूज खुद भी हो रहे हो और इनको भी कर रहे हो, तो उस चीज़ से बाहर निकलो। दैट्स वन मैसेज फॉर यू। तो ये बहुत बड़ा मैसेज आप लोग के लिए है, जो कि आप सुधर जाओ, संभल जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो कि आपको इतना खुश करेगा। बट आपको नज़र लग सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके लिए आप ईविल आई का ब्रेसलेट खरीद सकते हो, मुझसे खरीद सकते हो, 100% प्योर, यस, वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप वो चीज़ ले सकते हो। बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप बैलेंस से आउट हो जाते हो, आप ऑफ बैलेंस हो जाते हो, बहुत ओवर एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लग जाओगे सिचुएशन को। तो ट्राई टू कीप योर लाइफ इन बैलेंस, दैट इज़ अ मेजर टेक अवे फ्रॉम टुडेज रीडिंग। ओके, सो आई होप योर रीडिंग आपके लिए सही रही। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कम बैक फॉर मोर, सी यू बैक अगेन, बाय।